हाय दोस्तों, मैं श्री अपने चैनल श्री फूड्स में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आप लोगों के यहाँ भी क्या केले ऐसे हो जाते हैं क्या? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल लिबलिबे टाइप में, और इस कलर के हो जाते हैं क्या? और आप लोग क्या करते हो, फिर उसे उठा कर फेंक देते हो क्या? अरे भाई फेंको नहीं, उसकी एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी बना लो ना। तो चलिए आज हम बनाते हैं इससे एक बहुत ही अच्छी सी एक रेसिपी। तो अब क्या करेंगे, हम जितने केले हैं उन सभी केलों को हम छील लेंगे, और छील के फिर हम क्या करेंगे, किसी मैसर की सहायता से हम इसे इस तरह से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी दूध डालकर पीस सकते हैं, पर हम इसे इसी तरह से मैश कर लेंगे, क्योंकि हम दूध डाल के पीसेंगे तो इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और हम इसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जितना है हम उतने में ही इसको बनाएंगे जो अपनी रेसिपी है के। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम गेहूं का आटा ऐड कर रहे हैं। तो आप इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मुझे इतना ही मीठा मेरे लिए काफ़ी है। तो अब इसमें मैंने थोड़ा सा सौंफ ऐड किया है, इसका टेस्ट इसमें अमेजिंग आता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। आप अगर मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप गुड़ का बूरा या फिर आप चीनी इसमें ऐड कर सकते हैं, आप जो चाहें आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। आप और अधिक मीठा ऐड कर सकते हैं, पर मुझे मीठा उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, जैसा कि मैंने पहले ही बोल दिया। तो मैं इतने ही मीठे से मैं काम चला लूँगी, मुझे इसमें केले की मिठास चाहिए तो मैं उसी मिठास से इसका काम चला लूँगी। तो अब मैंने ऊपर से इसमें देसी घी ऐड कर दिया है। देसी घी ऐड करके इस तरह से हम आटे को अच्छे से चाड़ के इस तरह से मार लेंगे, यानी कि जैसे हम लोग आटा या अरे रोटी या फिर पूड़ियों वगैरह का डो लगाते हैं ना, उसी तरह से उसके बाद उसको अच्छे से चाड़ते हैं, तो उसी तरह से हम इसको चाड़ के मार लेंगे। फिर इसको हम ढककर रख देंगे, 10 मिनट तक हमें इसे रखना है। फिर उसके बाद से हमें कढ़ाई रख देनी है गर्म होने के लिए, और फिर उसके बाद से हमें क्या करना है, ये जो हमारा जो वो है डो है, उस डो को हमें इस तरह से बना लेना है, मतलब उसमें से छोटी छोटी बॉल लेकर हाथ से इस तरह से बनाना है। आप चाहो तो बेल सकते हो, पर बगैर बेले ही ऐसे ही इसका टेस्ट अच्छा लगता है। इसको हमारे यहाँ कहा था ठोकवा, आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, कहीं कहीं से अनरसे भी कहा जाता है, जो भी आप करना चाहो कर लो। हमने घी रखते अब ये तेल रख दिया था गर्म होने के लिए, तो हमारा तेल गर्म हो गया है लगभग। तो अब हम क्या करेंगे, आंच को थोड़ा सा कम कर देंगे। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमने ठोकवा यानी कि जो हमने वो पीठा बनाया है उसको हम ये जो हमारा सफ़ेद वो होता है ना तिल, उसमें हम इस तरह से लपेट लेंगे। ये जितना हमारा ठोकवा बनकर रेडी हुआ है, सारे ठोकवा को हम इसमें जो सफ़ेद तिल है उसमें लपेट लेंगे। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, इसका टेस्ट तो अमेजिंग आता है। एक बार आप इस तरह से बनाकर देखिए, आप सच्ची में बता रहे हैं कभी केले को फेंकेंगे नहीं, कभी भी नहीं फेंकेंगे भाई, आज के बाद से ये ध्यान रखिएगा। और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है, क्योंकि गेहूं का आटा है, केला है, और ये सफ़ेद तिल तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, हमारी बॉडी के बहुत सारे इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। तो ये देखिए हमारा पूरा का पूरा जो ये है ठोकवा, ये पूरा रेडी हो गया है। अब हम इसे तल लेंगे। तो तलने के लिए पहले हम देख लें घी हमारा गर्म है कि नहीं, तो हमने हल्का सा इसमें एक बूंद वो आटा से वो किया तो वो ऊपर आ गया था। तो अब हम इसमें डाल देंगे अपने ठोकवा को तलने के लिए। तो हमने इसको डाल दिया है, ये हल्का लाल हो जाएगा तब हम इसको पलट लेंगे। तो ये देखिए लाल हो गया है, अब हम इसे पलट लेंगे। आंच आपको मध्यम रखनी है, बहुत तेज आंच पे आप मत पकाइए, नहीं तो ये ऊपर से पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये थोड़े से मोटे हैं आकार में, तो इसलिए ये ऐसे ही रहेंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, आँच आपको मध्यम रखनी है, और उसके बाद से आपको जितने भी ठोकवा वित्त आपने बनाया रखा है, या फिर जो भी मतलब जो भी आप इसे नाम दे दो, अंदरसा जो भी आप नाम दे दो, अंदरसा तो वैसे लोग चावल के आटे का बनाते हैं, पर मैं गेहूं के आटे का बना रही हूं तो आप जो भी इसे नाम दे दो, ये आपका पूरा बनकर ये इस तरह से आप तल लो, और ये पूरा हमारा बनकर रेडी हो गया। आप देख सकते हो उसका लुक कितना अच्छा है, लुक ही नहीं है, बहुत ज्यादा टेस्टी और अमेजिंग लगता है ये, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। तो आपने देखा जो फिकने वाले केले थे उससे हमने कितनी अच्छी रेसिपी बनाकर रेडी कर दी, कितनी ज्यादा डिलीशियस लग रही है। डिलीशियस लग नहीं रही है, डिलीशियस है भी, अभी बहुत गर्म है तो इसलिए मैं उसे उतना टच नहीं कर रही हूँ, नहीं तो मैं इसे तोड़ के भी दिखा देती कि कितना ज्यादा कितना टेस्टी लग रहा है। ये टेस्टी लग नहीं रहा, टेस्टी बनकर रेडी भी हुआ है। तो आप लोग भी अपने घर में इस वाली रेसिपी को बनाइए, खाइए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, और हाँ बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियोज आप लोगों को नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त होते रहे। थैंक यू, मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए।